इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आ रही है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ समय पहले बिहार की मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ऐसे में यह मुलाकात जो है कुछ ही समय की रही है, लेकिन देखा जाए तो उसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में बता दें दर्शकों को, उस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई, जहाँ बताया जा रहा है कि सीएम सचिवालय में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, और ऐसे में बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। लगातार विधायक जो हैं बीजेपी के, वो लगातार कार्यालय पहुंच रहे। ऐसे में खबरें आ रही है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक एक तरफ बुलाई गई है, जहां दूसरी तरफ नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। ऐसे में ये तस्वीर आपको हम बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल तेज हो गई है और लगातार जो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह कहीं ना कहीं जो बैठक है, वो जो बीजेपी के बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनके अध्यक्षता में की जा रही है। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस बैठक में पहुँचे, और ऐसे में खासकर यह विधायकों को लेकर बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, ऐसा बताया जाता है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर कहीं ना कहीं मुलाकात है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज है कई सारे अनेक मुद्दों को लेकर, ऐसे में इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि कुछ तो बात हुई है बिहार की राजनीति को लेकर। करीब 8 महीने बाद नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिले, ऐसे में चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद देखिए बिहार की सियासत तेज हो गई है, और भाजपा बिहार प्रदेश कार्यालय में जो है हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं या फिर विधायक दल की बैठक कह सकते हैं, वो बुलाई गई है। तमाम बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, साथ ही तमाम मंत्री, साथ ही विधायक मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं यह बैठक लगातार चल रही है। काफ़ी समय हो गए हैं जिसके बाद देखा यह जा रहा है कि लगातार विधायकों का आना जाना जारी है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात जो है क्या सियासी मायने लगाती है, क्या सियासी मायने निकाल कर लेकर आती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्या चाचा भतीजे फिर से एक हो जाएंगे, लगातार यह भी खबरें आ रही है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो नियुक्ति होने वाली है इसको देखते हुए आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कहा यह जा रहा है कि मुलाकात हुई है, लेकिन क्या कुछ होगा ये कहीं ना कहीं देखने ही वाली बात होगी। और ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।